केंद्र सरकार बदलने वाली है और तब आपके भी दिन बदलने वाले हैं, सुनील जी कह रहे हैं। अभी आप सब कुछ चला लीजिए लेकिन सारा सच सामने आ जाएगा। आप देखेंगे तो उनको खुली छूट है, देख सकते हैं, एक खा भी रहेंगे। वो कोशिश दिल्ली की सरकार ने जनता ने बना ली है, मैं उस पर नहीं दे रहा। मैं अभी कुछ और तथ्यों पे जाऊँ। अभी सुनील जी कह रहे हैं कि मैं आज कोर्ट की ट्रीट करना चाहता। अभी कुछ दिन पहले तो आप चिल्ला के आपके मित्र की पार्टी, वो अलग बात है कि यही आम आदमी पार्टी अखिलेश यादव जी के बारे में क्या क्या नहीं बोलती थी। हमें आज भी याद है कि सबसे बड़े भ्रष्ट नेता है तो कोई माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं या अखिलेश यादव जी हैं। खैर वो क्या मजबूरी है गठबंधन की, तो आप जाने आपको काम जाने। लेकिन आज जो आपने टिप्पणी करी कि कोर्ट के बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बात करेंगे भाई? आप आज से एक हफ्ते पहले कितने बड़े, तो आज अभी भी आप शरद रेड्डी की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने उठा के परे मारे हैं। तीन आरोप थे आप लोगों के, आपके और आपके साथी आम आदमी पार्टी के लिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप केजरीवाल को जेल डालने की टाइमिंग की साजिश है, यही आरोप थे ना। आरोप को आज जिस तरह से सिरे से खारिज किया है माननीय न्यायालय ने, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है? 9 संबंध आपके अरविंद केजरीवाल जी स्किप करें और आप कहें कि उन पे कार्रवाई ना हो, क्या गजब का लॉजिक है? आप किस तरह का लॉजिक दे रहे हैं? आपको कोर्ट ने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको छूट मिल जाएगी, आप कुछ भी करेंगे। क्या कहेंगे वीसी से, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे, साफ कहा कोर्ट ने। दूसरा आपका प्लीटा अप्रूवर का, अप्रूवर के बारे में भी सुचेता जी ने भी बोला, कोर्ट ने क्या कहा कि 100 साल से ये लॉ है, कोई एक साल में ये लॉ नहीं बना है और आपके सीएम के लिए लॉ नहीं बना हुआ ये। कि बहुत सारी चीजें जो है आज माननीय न्यायालय ने क्लियर करी है और स्पष्ट शब्दों में क्लियर करी है, और ये पहली बार क्लियर नहीं किया ईडी के बारे में। आप लोग गए थे ना मिलके एक हफ्ते ईडी गठबंधन वाले सुप्रीम कोर्ट में कि ईडी हम पे कार्रवाई कर रही है, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने पड़े मारा। आज भी क्या हुआ? आज भी आपको उठा के साफ बोला कि जो आप कह रहे हो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, साक्ष्य के आधार पर लीगली और वैलिडली ईडी ने केस किया है। ईडी चाहे वो गोवा के विधायक का बयान हो, चाहे वो हवाला के ट्रांजेक्शन मिली हो, तमाम ऐसे दस्तावेज है जो चीख चीख के कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड और जो किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल है। अब आपकी मजबूरी में समझ सकता हूँ कि चोर मुथेरे भाई हो सकते हैं। इसलिए बात कह रही हूँ हरी जी, क्योंकि एक नहीं है ये विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां, या फिर मैं कहूँ सारी पार्टियां बीजेपी पर यही आरोप लगाती है आप लोगों पर कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं। कोर्ट का आज जो टिप्पणी आई है वो इस मामले में जांच एजेंसियों को बचा रही है, आपको नहीं बचा रही है। सुचित्रा जी जब 350 करोड़ रुपए के घर में कैश मिले तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ईडी कार्रवाई नहीं करेगी? जब सीएमसी के सांसद के घर में कैश मिलेगा तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कार्रवाई नहीं करेगी? क्या बात करती हैं आप? हिंदुस्तान के अंदर निष्पक्ष है ईडी, इनको समझ में नहीं आ रहा है। वो जमाने गए जो 14 से पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में बोला था कि ये तोता है, कोर्ट के आगे में इतना भी ना छुपिए कि ईडी के बारे में जो बोल लीजिएगा वही हम बचा लेंगे। ईडी कैसे काम कर रही है, सीबीआई कैसे काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रही है? एक बात बताइए संजीव जी, ईडी को लेकर और सेंट्रल एजेंसियों के काम करने के तरीकों को लेकर हम किसकी बात माने? हम कोर्ट को सही माने या आम आदमी पार्टी को सही माने? कोर्ट के पीछे छुपी अगर लोग नहीं जो कार्रवाई करने के तरीके हैं, जो रिकॉर्ड है, आम आदमी को बताइए। बादल जी मैं आ रही हूँ कि आपके सांसद तो वो पूरी तरह से वहां घेराव कर रहे थे इलेक्शन कमीशन का, जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। भाई उन्होंने कहा कि वहां उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई है, आप लोग घेराव करने पहुंच गए, वहां उठ नहीं रहे थे 24 घंटे हम यहीं रहेंगे, उसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ, वहां पर मिलने भी पहुंचे। वो जो तस्वीरें थी वहां पर सौरभ भारद्वाज यानी आम आदमी पार्टी के नेता मिलने भी पहुंचे थे आपके सांसदों से। मेरा सवाल ये है बादल जी के आपके नेताओं की बात को सही माने टीएमसी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं की, या फिर कोर्ट की बात को सही माने जो कह रहा है कि जो अप्रूवर कह रहे हैं वो कोर्ट ने बयान दर्ज किए हैं, तो आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं? मैडम उससे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता कहना चाहूँ, टीएमसी के कौन सा घर, कौन संसद के घर से पैसा मिला है? एक नाम बता दीजिए, कौन सा संसद, उसका नाम आप जानते हैं? संसद का नाम भी एक बार टीवी चैनल में बोल दीजिए। दूसरा बात है मैडम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर जो धरना चल रही है, वह धरना जो दिया काल से, क्यों दिया? इलेक्शन पश्चिम बंगाल में प्रदेश भाजपा के एक लीडर, उनका नाम जितेंद्र तिवारी है, एनआईए के जो एसपी है, उनके घर 26 मार्च को एक सफेद पैकेट लेके गया और 50 मिनट तक बात किया, लिस्ट दिया और
50 मिनट के बाद जब एनआई के एसपी के घर से निकल रहा है तो वो पैकेट उसका हाथ में नहीं था, मतलब क्या है। दूसरा बात है, एनआई और सीबीआई और ईडी जो इस होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर के निर्देश में जो चल रही है हम सब जानते हैं और हाईकोर्ट भी जानते हैं। हाईकोर्ट जो चल किया उसके खिलाफ हाईकोर्ट के डिविजन में जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान विचारपति जा सकते, किसी को मानना है या ना मानना है। हाईकोर्ट के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई सोशल वर्कर, कोई एनजीओ का जो भी है पूरे देश में जो नागरिक है वो बोल सकते हैं। हाईकोर्ट का निर्देश मेरे मन में अच्छा नहीं लगा, लेकिन दूसरे जगह में मैं जा सकता हूँ, हाईकोर्ट में अपर में मैं जा सकता हूँ और तो सुप्रीम कोर्ट तो वो जा रहे हैं, मतलब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, आप बता दीजिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए बादल देवनाथ जी, ये बार बार ये सवाल मैंने कल भी पूछा था आपने डिबेट में, सुनिए ये महाभारत में सवाल मैंने कल भी पूछा था। एक किलोमीटर रास्ता बादल जी, फुल स्टॉप तो लगाइए, कॉमा ही लगा लीजिए, सवाल पूछूं आपसे, कहां जरूरत है, आप तो हमला करते हैं। अच्छा फुल स्टॉप, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कॉमा लगाइए, जरा कॉमा लगाइए, सवाल पूछ रही हूँ आपसे, सवाल ये पूछ रही हूँ कि आपके राज्य में तो सेंट्रल एजेंसीज पर पत्थरबाजी हो जाती है, हमला हो जाता है, उस हमले के बाद भी आप ही प्रताड़ित हैं, सेंट्रल एजेंसियां आपके खिलाफ कोई बयान ना दे और ना ही कोई केस रजिस्टर करें, बादल जी वहां पर पत्थरबाजी किस राज्य में हुई है? रात तीन बजे किसी का घर में घुस सकता है ये नहीं है, आप बता दीजिए कोई रूल्स है देश में, कोई ऐसा रूल्स है? सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनकम टैक्स हो वह कोई स्टेट का गवर्नमेंट का जो लॉ जो संस्था है, कोई पुलिस आधिकारिक मिलिट्री, सर ऐसा कहीं रूल बुक में लिखा है कि एनआईए कहीं छापा नहीं मारेगी रात के तीन बजे? बादल जी ऐसा कोई रूल बुक में लिखा हुआ है क्या कि एनआईए या सेंट्रल एजेंसियां रात के तीन बजे छापा नहीं मार सकती? हाँ ये जरूर हो सकता है कि टीएमसी के नेता के घर पे छापा नहीं मार सकते, ये आप कह सकते हैं, ये आपकी अपनी रूल बुक होगी कि टीएमसी के नेता के घर पर तीन बजे छापा नहीं मार सकते आप रात को, लेकिन आप ऐसे कोई कहीं नहीं लिखा है कि सेंट्रल एजेंसियां रात में छापा नहीं मार सकती हैं। और बादल जी जब कोई मोनोलॉग करने लगता है ना तो उसकी बात समझ नहीं आती है, आप यहाँ भाषण सभा में थोड़े ही है, सवाल समझ कर फिर जवाब दीजिए ना, आप तो बोलते ही जा रहे हैं नहीं बोलते ही नहीं जाएंगे ना, मोदी जी का बात नहीं है, सवाल सुनकर जवाब तो दीजिए, मन का बात है, नहीं सुनेंगे, बात नहीं है, जो बोलना है वही बोलेंगे। भाई ये ट्रेनिंग कहाँ से आ रही है मुझे समझ नहीं आता, टीएमसी के नेताओं की, मैं बस इतना कह रही हूँ कि सवाल थोड़ा सुनकर उसको एब्जॉर्ब करिए, उसके बारे में सोचिए, एक राज्य ऐसा है जहाँ पर बार बार हमले हो रहे हैं ये फैक्ट है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, उन्होंने तो वहां ईडी के अफसरों पर हमला नहीं कर दिया, उन्होंने तो जाकर वहां पर पत्थर नहीं बरसा दिया उनकी गाड़ियों पर, ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना आपको बादल जी। रिक्वेस्ट कर रहा है उस आदमी को, तो 9 बार 10 बार क्वेश्चन करने के बाद एक आदमी के पास से लिखित रहेगा उसके बयान के ऊपर, तो ये सोच ही नहीं सकती हूँ, सोचिए सर, सुनिए एक बात मैं कहना चाहूंगी, फिर बादल देवनाथ जी आप बिना कॉमा फुल स्टॉप के बात करते हैं, ऐसे बात नहीं होती है, ऐसे बात नहीं होती है।